हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट है मटेरियल अलॉटमेंट सिस्टम। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट के रेफरेंस में आप मटेरियल अलॉट कर सकते हैं टू दी स्टोर पर्सन, सो दैट कि इशू किए हुए या अलॉट किए हुए मटेरियल के रेफरेंस में ही वो फिर आगे मटेरियल इशू करेगा। ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, इसके लिए मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। सपोज कीजिए, बेसिकली सिस्टम जो है ओवरऑल वो कार्टन बॉक्स के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। तो एक अगर कोई कार्टन का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो एक प्रॉपर पूरी शीट आती है एक। तो सपोज उस शीट में उस शीट को डिवाइड किया जाता है इन टू पार्ट्स में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि दो पार्ट्स का मतलब है, अगर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है तो दैट मीन्स एक पार्ट से एक प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे पार्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दैट मीन्स कि एक शीट में दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है वो एक शीट में दो पीस निकलते हैं, तो सपोज कीजिए 4,000 पीस बनाने के लिए कितने प्रोडक्ट चाहिए, क्या हमारे पास जो पेपर है कितने पेपर चाहिए 4,000 पीस बनाने के लिए, और जो पेपर है क्या हमारे पास सेम कैटेगरी का पेपर अवेलेबल है क्या हमारे पास, नहीं है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी होगा, तो उस ऑल्टरनेटिव का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कुछ एंट्रीज आपको पास करनी है। एज ऑफ नाउ मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ, मैंने एंट्री पास की एंड नाम जो पर्सन बेसिकली अलॉट कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी रियल टाइम डेटा चल रहा है जो मैंने इनके एग्जिस्टिंग सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है। किसी भी जॉब ऑर्डर पर मैं क्लिक करूँगा तो उस जॉब ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होकर जाएगी। सो दैट कि आप देखेंगे 85116 में ये मेगा मैंटीन डुओ बनाना है उनको, एक कार्टन है एंड FBB का पेपर यूज़ होगा, 3300 GSM का होगा। पेपर का साइज रहेगा 27 x 34 इंचज, और क्वांटिटी कितनी बनानी है 18,000 पीसेज बनाने हैं। इन 18,000 पीसेज को बनाने के लिए 1125 शीट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली सिस्टम निकाल देता है जो बैकएंड में हमने जनरेट किया हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि 18,000 पीसेस को बनाने के लिए 1125 शीट्स की रिक्वायरमेंट है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन सा पेपर चाहिए, FBB का पेपर चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो FBB का जो पेपर है बेसिकली, वो पेपर अगर अवेलेबल होगा आपको तो यहाँ पर नीचे दिखा देगा। तो अगर हम बात करते हैं 300 GSM का पेपर चाहिए, तो यहाँ पर 300 GSM के सारे पेपर ऑटोमेटिकली फैच होकर आ जाएंगे। वाइट बैक, ITC सेफियर, FBB और सभी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएंगे जो 300 GSM में लाए करते हैं। तो आप देखेंगे अगर 300 GSM में हमारे पास FBB का पेपर नहीं है तो कोई हम दूसरा पेपर भी इशू करके इस ऑर्डर को आगे प्रोसीड करा सकते हैं। तो अब कैसे हो सकता है, तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि FBB का पेपर यूज़ होना है, मैंने FBB सेलेक्ट किया और इसमें से मैं 300 GSM का FBB का एक पेपर इशू कर दूंगा। सो 22-28 का साइज रहेगा इसका, सॉरी 27-34 का साइज इसका। तो मैंने 27-34 सेलेक्ट कर लिया और अलॉटमेंट फिगर में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं इसमें 120 पीसेस डाल रहा हूँ, राइट। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे आप एक चीज़ भी नोटिस कीजिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि सेम साइज का पेपर नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज का पेपर होता है, तो वो बड़े साइज का पेपर का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल डाल दिया कि मैं FBB का 300 GSM में 27x34 का एक पेपर यूज़ कर रहा हूँ, 120 पीसेस का, एंड एक यूज़ कर रहा हूँ मैं ITC का 300 GSM में। तो आप देखेंगे 27 23x37 और हमें यूज़ करना है 37 का, तो सॉरी 27x34 का मैंने मेंशन कर दिया। अगर 27x34 नहीं है तो मैं यहाँ पे 27 में जो अदर साइजेस भी है, जैसे सपोज 27x40 है, तो मैं 27x40 यहाँ पे इशू कर दूंगा। तो मैंने 27x40 इशू कर दिया। मैंने बोला कि मैं सपोज 500 शीट्स इसकी इशू कर देता हूँ, सो दैट कि आप देख पाएंगे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर आपके पास सेम प्रोडक्ट का या सेम पेपर अवेलेबल नहीं है सेम ब्रांड का, तो आप मल्टीपल ब्रांड्स का यूज़ करके उस जॉब ऑर्डर को क्लोज कर सकते हैं। इस पर्पज़ से ही हमने कॉन्सेप्ट बनाया है। तो आपने देखा दो जॉब दो दो कैटेगरी या दो ब्रांड हमने सेलेक्ट कर लिया। तीसरा ब्रांड सेलेक्ट कर देते हैं ओमेगा प्लस। ओमेगा प्लस में भी अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ सपोज़ कि 300 GSM का पेपर, तो कोई कहता है नहीं 300 GSM का नहीं है, तो हम ओमेगा प्लस में 320 GSM का पेपर ले लेते हैं। साइजेस क्या रहेंगे तो मैं यहाँ पे साइज ले लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर 27x34 27x34 27.5x40 का पेपर सपोज मेरे पास अवेलेबल है, तो जो रेस्ट क्वांटिटी है मैं वो एंटर यहाँ पे कर दूंगा। सपोज मेरे पास 600 पीसेस की क्वांटिटी अवेलेबल है, 550 कर देता हूँ मैं उसको, 550 पीसेस की मैंने क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट कर दी। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे को शीट इशू करनी है 1125, बट मैंने यहाँ पे टोटल इशू कर दी 1127, तो मैं इसमें से जो फिगर है वो कम कर दूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको 500 कर देता हूँ, तो 1120 इसमें कर देते हैं 505।
तो पूरा 1125 की फिगर हमने यहाँ पे इशू कर दिया। इशू किसको की है? मटेरियल इशूड टू, पर्सन का नाम क्या है? तो सपोज मैं यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ, संजय सिंह को मैंने मटेरियल इशू किया है, बेसिकली अलॉट किया है। या मैं यहाँ पे मेंशन टाइप कर देता हूँ कि मैंने स्टोर डिपार्टमेंट में इशू किया है, स्टोर डिपार्टमेंट को मैंने अलॉट कर दिया है मटेरियल, कि अब वो इसको ही इशू करेंगे। यूनिट क्या रहेगी? इन यूनिट शीट्स में। तो आप देखेंगे मेरी सारी एंट्री पास हो गई। एक प्रोडक्ट के रेफरेंस में मैंने तीन डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स का यूज़ किया है। एंड देन अब मैं सेस्ट ट्रिगर को रन कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे मेरा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, राइट। ऑटोमेटिकली ये एंट्री मेरी रिस्पॉन्स में जाके स्टोर हो जाएगी, और सेम इसी प्रोडक्ट को जो मटेरियल मैंने बेसिकली यहाँ पे इशू किया है, उसी मटेरियल के रेफरेंस में आगे अलॉटमेंट करने वाला पर्सन अलॉट कर पाएगा। आपको एक बार मैं रिस्पॉन्सेज भी दिखाता हूँ, इस तरह डेटा स्टोर होता है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इन अ सिंगल शॉट तीन एंट्रीज हमारी स्टोर हो गई हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मैं तीन तरह की एंट्रीज स्टोर करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि बेसिकली प्रोडक्ट तो हमारे को इस जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, राइट। आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाना था, 85116 जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में हमें शीट चाहिए थी मेगा मैंटेन के लिए, FBB की 300 GSM में 27x34 की 18,000 पीसेस बनाने के लिए हमें शीट्स की रिक्वायरमेंट थी। बट एक्चुअली में इशू क्या क्या गया, तो आप देख पाएंगे इशू किया गया है FBB का 300 GSM में, 27x34 में 120 शीट्स इशू की गई हैं। आईटीसी सफायर में देखेंगे 300 GSM 27x40 में 500 शीट्स इशू की गई हैं। एंड ओमेगा प्लस में 320x27x40 में 505 शीट्स इशू की गई हैं। तो आप देख पाएंगे एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट पेपर यूज़ किए हैं, और तीन डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ किए हैं, दो डिफरेंट GSM यूज़ करे हैं, सो दैट कि हमारा वो ऑर्डर क्लोज हो जाए इन एनी केस ऑफ कि हमारे पास मेटल की अवेलेबिलिटी नहीं है विद द सेम ब्रांड। आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस तरह का एक PDF भी जनरेट हो जाता है फॉर फ्यूचर पर्पज़। तो इससे हमें पता रहेगा कि अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, दैट मीन्स टू से कि प्रोडक्ट क्या बनाना था, और हमने बेसिकली उस प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या मटेरियल इशू किया। तो इस तरह का एक PDF रिकॉर्ड भी जनरेट हो जाता है। गाइज अब चलते हैं एक बार, जैसे कि आपने देखा मटेरियल इशू के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमने मटेरियल अलॉट किया है। जैसे कि आप जॉब ऑर्डर नंबर देख रहे हैं 85116, सिमिलरली 85116 को मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो गया। मैं 85116 को सिलेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे जितना भी मटेरियल हमने इशू किया था या अलॉट किया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेम प्रोडक्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट रहेगा, बट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें FBB का पेपर भी यूज़ करना है, ITC का पेपर भी यूज़ करना है, और ओमेगा प्लस का पेपर भी यूज़ करना है। सेम जो फिगर हमने वहाँ पे आगे इशू अलॉट किया था, सेम वही मटेरियल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अलॉटमेंट में आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे आगे कितना इशू करना है। तो जो स्टोर वाला पर्सन है यहाँ से मटेरियल अपना इशू कर देगा और इसकी एंट्री को आगे क्लोज कर देगा। तो सपोज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे इतना मटेरियल इशू कर दिया है, मैं एक एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ आपको। मटेरियल इशू टू किस पर्सन को मैं अब इशू कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसका नाम डाल दूंगा, संजय कुमार को मैंने इशू किया। एंड अगर इन एनी केस में जॉब ऑर्डर क्लोज हो गया, दैट मीन्स कि अगर आपको लगता है कि अब हमें आगे मेटल इशू नहीं करना है ये 5 केस जो बचा हुआ है, तो आप इसको ऑर्डर को क्लोज कर दीजिए, ऐसे इसको ब्लैंक रहने दीजिए, सो दैट कि इन फ्यूचर में भी आप जब भी इस ऑर्डर के रेफरेंस में मेटल इशू करेंगे तो वो फिर से आपको दिखेगा। अब मैं यहाँ पे इसको ऑर्डर को कैप्चर करा देता हूँ, सो दैट कि आप देख पाएंगे सेम डेटा मेरा ऑटोमेटिकली उठ के रिस्पॉन्सेज में स्टोर हो जाएगा, और जो फर्दर इन्वेंट्रीज हैं मेरी अपडेट हो जाएंगी। डेटा बैकएंड में स्टोर भी हो जाएगा, और सेम जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में आप देख भी पाएंगे कि किसी एक जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में हमने क्या क्या मटेरियल अलॉट किया था और उसमें से बेसिकली कंज्यूम क्या क्या या इशू क्या क्या हो गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज आ गया मटेरियल इशू फॉर जॉब ऑर्डर नंबर का दिखा रहा था। आप देखेंगे यहाँ रिस्पॉन्सेज में हमारे पास ये डेटा सारा स्टोर हो गया प्रॉपरली, राइट। अब चलते हैं एक बार एलोकेटेड बोर्ड में, जिसमें आप देख पाएंगे हमने एक जॉब ऑर्डर नंबर है 85116 जिसके रेफरेंस में हम बेसिकली वर्किंग कर रहे हैं। इसमें हमने मटेरियल आप देखेंगे जो मटेरियल हमने इशू किया था सिमिलरली इशूड में वो मटेरियल आ गया, और बैलेंस में ये नल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली बैलेंस में अगर नल हो गया, सेम जॉब ऑर्डर नंबर को मैं फिर से यहाँ पे चेक करना चाहूँगा तो वो जॉब ऑर्डर यहाँ पे मेरे को दिखेगा ही नहीं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो ऑर्डर ऑलरेडी क्लोज हो गया, अब उसमें कोई भी मटेरियल ऐसा है नहीं है जो बैलेंस हो इशू करने के लिए। सो गाइस आपने देखा कैसे सिस्टम वर्क करता है। ऑटोमेटिकली आप अपना किसी एक जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में मल्टीपल आर्टिकल्स इशू कर सकते हैं या अलॉट कर सकते हैं, और उसी के बिहाफ पर इशू कर सकते हैं।
सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज वेल. थैंक यू गाइज. थैंक यू सो मच. बाय.